नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल शनिवार को प्रयागराज पहुंचे, यानी कि आज शहर के आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में छात्रों से उन्हें संवाद करना था, हालांकि वे संवाद नहीं कर सके। भारी संख्या में वहां तैनात पुलिस के सामने हार्दिक समर्थकों संग पहुंचे, लेकिन उन्हें पटेल संस्थान के अंदर नहीं जाने दिया गया। भर्ती विधान पर शनिवार दोपहर हार्दिक पटेल का छात्रों से संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था। पुलिस अफसरों के मुताबिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए संवाद नहीं होने दिया गया। हार्दिक पटेल को लगभग 11 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर ही रोकने की कोशिश की गई थी, मगर वह किसी तरह से वहां से निकल गए। हार्दिक पटेल आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान पहुंचे तो पुलिस ने गेट बंद कर दिया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हार्दिक ने संस्थान गेट पर ही मीडिया से कहा कि गुजरात में मोदी से लड़कर आए हैं। बोले, पुलिस को आगे कर भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। इसके बाद वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर चले गए। हार्दिक पटेल के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूशन यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन एवं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीबी को भी यहाँ आना था। ANSIU के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। शहर के ओलुपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी हार्दिक पटेल का छात्रों से संवाद कार्यक्रम था, हालांकि पुलिस के अनुसार कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद भी हार्दिक समर्थकों के साथ संस्थान पहुंचे, हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसे लेकर पुलिस हार्दिक पटेल के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस करने की तैयारी कर रही है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।